देश वाकई संकट में है और स्थितियां इस समय बहुत विकट हैं और ये स्थितियां और विकट होंगी। इस तरीके के बयान पे अगर 2 साल की सजा हो सकती है, सदस्यता रद्द हो सकती है, तो प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और खुद मोदी जी जैसे ये विपक्ष को बचने ही ना दें, ये विपक्ष की आवाज़ को पूरी तरीके से दबा दें। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चुनाव भी ना होने दें और यहाँ डिक्टेटरशिप वाला कुछ इस तरीके का सिस्टम लगाने का प्रयास इनका चल रहा है। अति गंभीर क्वेश्चन है, इस देश में क्या सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न है, क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था है, क्यों नहीं बात होती राजनीति के अंदर ऐसे मुद्दों की? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से तयशुदा था कि राहुल जी की सदस्यता रद्द की जाएगी, क्योंकि जज भी साहब इन्हीं का है, वकील भी इन्हीं के हैं, फैसले भी इन्हीं के हैं, सुनवाई भी इनकी हो रही है। विपक्ष का जो भी नेता आवाज उठाएगा, जब राहुल जी की आवाज को इन्होंने दबा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के किसी भी नेता को ये छोड़ेंगे। नहीं नहीं, अमित शाह ने केवल एक बात पर जुमला बोला था, 15 लाख पे अब रोजगार मिल गए, गंगा साफ होगी, स्मार्ट सिटी बन गए, नौकरी मिलगी, भुखमरी कम होगी, अपने लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम, अपना कुत्ता टोमी और दूसरों का कुत्ता कुत्ता, भाई ये तो बात नहीं चलने की, बिल्कुल नहीं चलने की। अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम, अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। नमस्कार नमस्कार, हम इस वक्त कांग्रेस के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आखिर करेगी क्या? मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनुनेश यादव हैं। सर, कांग्रेस का अब प्लान क्या होगा कि आपके सबसे बड़े नेता की तो सदस्यता रद्द हो गई है, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, 1 साल में चुनाव होने वाला है? अभी हम लोगों की एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, 5 बजे से मीटिंग प्रस्तावित है, जिसमें लगभग सभी जनरल सेक्रेटरीज और स्टेट इंचार्ज आएंगे। उसके बाद एक रूट मैप बनाया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति होगी। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद दिन है, आज का दिन बड़ा दुखद दिन है कि किसी सांसद की सदस्य, कल उसको 2 साल की सजा सुनाई गई किसी सांसद को, और आज उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी कितनी जल्दबाजी में है, अपने आप में एक ये सवाल है कि क्या वाकई बीजेपी इतनी ज़्यादा डरी हुई है? क्या अडानी के सवाल पर बीजेपी जवाब नहीं देना चाह रही है? क्या JPC की मांग पर सरकार मौन है? 10वां दिन है आज, संसद की कार्यवाही बाधित है और जो तमाम सवालात हैं विपक्ष के, इन पे सरकार जवाब ना देके इसका जो एक अलग रिएक्शन कर रही है, राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी जाती, तो बड़ा दुखद दिन है आज का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र, वाकई जो राहुल जी ने कहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, और जो तमाम संवैधानिक संस्थाएँ हैं, चाहे वो ज्यूडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होती जा रही है। और इस समय अगर समूचा विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, तो कल को ऐसा हो सकता है कि ये विपक्ष को बचने ही ना दें, ये विपक्ष की आवाज को पूरी तरीके से दबा दें। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चुनाव भी ना होने दें और यहां डिक्टेटरशिप वाला कुछ इस तरीके का सिस्टम लगाने का प्रयास इनका चल रहा है। इनका जो भी नेता विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, जो भी इनसे सवालात करता है, तो उसको ये एक तरीके से वॉर या जंग की तरीके से देखते हैं कि हमारा विरोध क्यों किया जा रहा है। एक समय दिया जाता है हाईकोर्ट जाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, यह तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से तयशुदा था कि राहुल जी की सदस्यता रद्द की जाएगी, क्योंकि जज भी साहब इन्हीं का है, वकील भी इन्हीं के हैं, फैसले भी इन्हीं के हैं, सुनवाई भी इनकी हो रही है, तो जो डिसीजन है वो भी इनके पक्ष में आना है, और ये सब दिखावा इन्होंने कर रखा है। और इस समय जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हम किस तरीके से और कितनी दृढ़ता के साथ इसका मुकाबला करते हैं। देश वाकई संकट में है और स्थितियाँ इस समय बहुत विकट हैं और ये स्थितियाँ और विकट होंगी। आगे जो 3 से 4 महीने हैं, ये बड़े ही मुश्किल समय रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष का जो भी नेता आवाज़ उठाएगा, जब राहुल जी की आवाज़ को इन्होंने दबा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के किसी भी नेता को ये छोड़ेंगे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति के पिता ने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, शहादत दी, जिसकी दादी ने देश के लिए शहादत दी, ऐसे व्यक्ति की आप सदस्यता रद्द कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बयान जिसमें उन्होंने जो व्यापारी मित्र, मोदी जी के जो मित्र देश का पैसा लेके भागे थे, उनको चोर बोल दिया। तो इस तरीके के बयान पे अगर 2 साल की सजा हो सकती है, सदस्यता रद्द हो सकती है, तो प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और खुद मोदी जी जैसे, मोदी जी ने जो रेणुका चौधरी जी के लिए जो सूपनखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, सोनिया जी के लिए कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो इस पर क्या सजा होनी चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने गिरेवान में झांक के देखे कि जब इनके
नेता और इनके सांसद और इनके मंत्री जब इस तरह का कोई घृणित बयान देते हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, तब उन्हें कोर्ट से रियायत दे दी जाती है। और जब कोई विपक्ष का नेता सच की आवाज़ उठाता है, जनता की बात को आगे रखता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि सारा विपक्ष आज एकजुट है, तो एक शुभ संकेत और कहीं ना कहीं विपक्ष कांग्रेस की छत्रछाया के नीचे आएगा, क्योंकि अब तक तो यही थी कि भाई कौन किसकी छतरी के नीचे जाएगा। लेकिन ये जो घटना घटित हुई, ये जो घटना घटित हुई, और मोदी जी के पॉलिटिकली शत्रु नंबर वन राहुल गांधी जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं। राहुल गांधी जी कैसे घराने से आते हैं? राहुल गांधी जी के पिता देश के प्रधानमंत्री रहे, सादत दी। राहुल गांधी जी की दादी देश की प्रधानमंत्री रही, सादत दी। राहुल गांधी जी के परनाना देश के पहले प्रधानमंत्री। नियमों से अलग थोड़ी हो जाएंगे अगर उनका घराना इतना अच्छा है, नियमों से अलग नहीं। नियम मतलब अपने लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम, अपना कुत्ता टोमी और दूसरों का कुत्ता भाई, ये तो बात नहीं चलने की, बिल्कुल नहीं चलने की। और आज राहुल गांधी के साथ ऐसा हुआ, आगे आने वाले टाइम में विपक्ष के जितने भी लोग हैं, मैं तो बात कर रहा आप बिहार में चले जाओ, आप विपक्ष के जो क्षेत्रीय पार्टी है उन नेताओं को भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा। क्यों भाई, जब राहुल गांधी जी का नंबर आ सके तो आपका नंबर क्यों नहीं? और इसी वजह से ये सारे के सारे इकट्ठे हुए, और मैं तो ये कह रहा कि कहीं ना कहीं हो सके हिंदुस्तान की राजनीति के लिए ये एक शुभ संकेत भी हो। नियम तो यही कहता है ना कि कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति लोकसभा का सांसद नहीं रह सकता। राहुल गांधी को सजा हुई है, वो बाहर है। नियम के अनुसार ही नियम ये भी कह रहा कि आप एक दिन के अंदर, पहले तो कोर्ट ने फैसला सुनाया, और इतनी जल्दबाजी क्यों? आप अगले दिन ही जो है उनकी जो है सदस्यता निरस्त कर देंगे। फिर अभी टीवी चैनल के ऊपर खबरें आ रही कि आप जो है वहां पे जो है चुनाव भी करावा रहेंगे। अरे कहां के नियम, किसके नियम? आप 100 दिन में काला धन वापस आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी होगी, 2022 तक जो है गंगा जो है निर्मल होगी, महंगाई कम होगी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा, क्या इन मुद्दों पर कोई काम करा? अब इन मुद्दों पर तो काम हुआ। अमित शाह ने बता तो दिया था, वो जुमला था। अरे हाँ, तो जुमला था ना, तो अब सबकी बात समझ। चुनावी जुमले तो दिए जाए। नहीं, अमित शाह ने केवल एक बात पे जुमला बोला था, 15 लाख पे। अब रोजगार मिल गए, गंगा साफ होगी, स्मार्ट सिटी बन गए, नौकरी मिलगी, भुखमरी कम होगी, तो अब जनता को ये बात समझ आ गई। अब उन्हें देख रहे थे कि बस नायक बनने लग रहे धीरे धीरे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी पे आप वार करो, और उसी वार के तहत राहुल गांधी जी के ऊपर ये जो है बिल्कुल जी उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं इसका जवाब ऐसा तो है नहीं भाई, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, तो न्यूटन का लो है। क्या प्रतिक्रिया करेगी कांग्रेस पार्टी, क्या होगी उनकी प्रतिक्रिया? आप कांग्रेस पार्टी को क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं तो कह रहा हिंदुस्तान की 140 करोड़ सर जनता को अगर ये मुद्दे लगते तो फिर उन्हें बार बार जिताती नहीं, और कांग्रेस पार्टी को बार बार सत्ता से बाहर ना रखती। ऐसा है, ये अगर आप 60 साल पहले की बात करो, इस देश में कांग्रेस की सरकार रही जब ये देश आधा। सर अभी की बात करते हैं ना, अभी की बात करते हैं तो आप इतिहास देखो ना। अरे आने वाले टाइम में ये तो चक्र है जी। अब चक्र दोबारा दोहराया जाएगा, क्यों नहीं दोहराया जाएगा? आपको लगता नहीं चक्र का मतलब ही वो परिवर्तित है? क्यों भाई, क्यों मांग ले राहुल गांधी माफी? क्यों मांग ले? कैसे परिवार सार है राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी के तो पिताजी ने कभी माफी नहीं मांगी, दादी ने कभी माफी नहीं मांगी। अरे बिंदास आदमी, क्यों मांग ले राहुल गांधी माफी? अति गंभीर क्वेश्चन है। इस देश में क्या सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न है? क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था है? क्यों नहीं बात होती? सरकार का जो प्रोपोगंडा है वो कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर आवी है, और मीडिया लोगों के ऊपर आवी है, जो दिखता है वही बिकता है। आप किसी भी टीवी चैनल की डिबेट पर देख लो, मैंने 4 मुद्दे बताए इस देश में, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का और बढ़ती हुई जनसंख्या का। इन मुद्दों पे कोई डिबेट हो रही क्या? अरे डिबेट हो रही हिंदू पे, मुस्लिम पे, जाति पे, धर्म पे, संप्रदाय पे, है ना? तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी कमजोर नहीं रही है, सिर्फ आप चुनावों से, सिर्फ आप सीटों से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कोई पार्टी कमजोर है या मजबूत है। देखो साहब, ये संघर्ष का समय है, एकजुट होकर हम सबको मिलकर संघर्ष करना है, और निश्चित है कि ये दौर भी निकल जाएगा और हम लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का 2024 में मुकाबला करेंगे और उनको शिकस्त भी देंगे। देखिए ये बहुत ही क्रूशियल समय है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने, जहां उनके सबसे बड़े नेता की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जैसा कि नियम कहता है। इस वक्त तमाम नेता कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे पहुंच रहे हैं, तमाम लोग जो है उनके कार्यकर्ता से लेकर तमाम नेता वो हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर चल रही है, उसके बाद क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। लेकिन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए HNP News के साथ। कैमरे के पीछे मेरे साथी अनूप के साथ HNP News के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।